तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज का वीडियो बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हो एंड अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप में आपका कौन सी डाटा जो है व्हाट्सएप के पास है, एंड अगर आप चाहते हो रिकवर करने के लिए आप रिकवर कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक मेन चीज है, आपका जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे जितना भी डाटा है, लाइक आप कौन सी मोबाइल यूज कर रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर, कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, एंड यहाँ पे मैसेज का टाइमिंग, सब कुछ आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, मैं बताऊंगा, एंड मैं यहाँ पे जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसमें बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे जिसके साथ चैट किया, मैसेज किया, या जो भी मीडिया फाइल हम लोगों ने भेजा या रिसीव किया, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। साथ साथ कौन सी ग्रुप है जो हम लोग ऐड होके रखा है। तो सपोज मान लीजिए आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपका गलती से डिलीट हो गया, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपली व्हाट्सएप में आपको तीन डॉट मिलेगा, इसके ऊपर जाना है। एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेटिंग, सेटिंग ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आपका नाम, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज, हेल्प, सब कुछ खुल जाएगा। तो आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर एंड रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो एंड डिलीट माई अकाउंट। तो यहाँ पे जाना है आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि क्रिएट ए रिपोर्ट। यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, आपका जितना भी डाटा व्हाट्सएप के पास स्टोरेज है, सेव है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसे गाइस आपको बताएगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जो है आपका कुछ कुछ डाटा उसके पास सेव करता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हो उसके लिए रिकमेंडेड होकर आ जाता है आपका इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो उसके साथ रिकमेंड होकर और भी वीडियो या कोई भी पोस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड माई अकाउंट इन्फो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट माई अकाउंट डाटा ऑप्शन आएगा, तो आपको रिक्वेस्ट कर देना है एंड आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। एंड उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सपोर्ट डाटा के पास ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। एंड आपको जो है उसको 1 महीने के अंदर डाउनलोड करना पड़ता है, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट का ऐसे ऑप्शन आएगा, तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट, इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आप चाहते हो सेव करने के लिए तो आप यहाँ पे गूगल ड्राइव सेव कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपका जो है माई अकाउंट इन्फो नाम आ जाएगा एंड सेव। यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाटा है सेव। 2 करने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देख पा रहे हो अपलोडिंग 1 फाइल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे जो है ना लोकेट फाइल, इसके ऊपर शो क्लिक करना है डाउनलोड होने के बाद। एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए माई अकाउंट इन्फो 2 आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है 3 डॉट। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए डाउनलोड 1 फाइल हो गया, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगा फाइल मैनेजर पे, जस्ट 1 पर कर दूंगा। एंड यहाँ पे लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे शो कर देगा माई अकाउंट इन्फो, देखिए यहाँ पे आ गया। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेस डॉट html एंड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे एक्सेस डॉट html, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। एंड यहाँ पे ऊपर 3 डॉट मिलेगा, इसके ऊपर जाना है। एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ये जो है जीप फाइल है, आपको पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसी फाइल में सेव करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका फाइल में ही यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप सेव किए थे, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका ब्राउजर या जो भी एप्लीकेशन है आपको शो कर देगा, आप किसी में भी जाके क्लिक कर सकते हो। तो मैं क्रोम में जाऊँगा, जस्ट नाउ इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका व्हाट्सएप में जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा, योर व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन, उसके बाद रिपोर्ट टाइम, रिक्वेस्ट रिपोर्ट टाइम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डिवाइस एक्टिविटी, कौन सी डिवाइस है, सब कुछ शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिवाइस 1, कितना डिवाइस कनेक्ट है एंड प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप जो है इनएक्टिव शो कर रहा है, अभी मेरा एक्टिव नहीं है। एंड यहाँ पे मेरा प्रोफाइल फोटो शो कर देगा। और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा आपका जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट जितना भी था सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया। तो अगर आप चाहते हो आपका भी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे देखने के लिए व्हाट्सएप का, एंड उसके बाद अगर आप रिकवर करना चाहते हो उस नंबर को, आप रिकवर कर सकते हो। आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में जो टर्म कंडीशन मैंने एक्सेप्ट किया था,
एंड यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी मोबाइल है सब कुछ शो कर देगा, एंड यहाँ पे स्टेटस पे आपको सब कुछ शो कर देगा, ब्लॉक नंबर कितना है वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहते हो रिकवर करने के लिए वो भी आप रिकवर कर सकते हो, बट आपको क्या करना है यहाँ पे एक एक को आपको ऐसे सिलेक्ट करके रिकवर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपका यहाँ पे नाम शो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे खुद को पता करना होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आपका WhatsApp का जितना भी इन्फॉर्मेशन है निकाल सकते हो, एंड उसके साथ आप यहाँ पे माई डाटा इन्फॉर्मेशन जो WhatsApp के पास सेव है आप देख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए, एंड अगर वीडियो पसंद आए जाना जरूर सबसे करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।